नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में वेलकम करते हैं। तो सिबा यूनो की प्राइस यहाँ पे 4.2% के यहाँ पे गिरावट दर्ज करती हुई नजर आई आप लोगों को। लेकिन आज एक मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे बता दूँ थोड़ा सा आप लोगों को, उसके बाद इसके प्राइस के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे निकल के आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे सिबा यूनो को किस तरीके से यहाँ पे चीजों को बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया होता सिबा इनो में 1 जनवरी 2021 को, तो वुड भी वो कितना अभी आप लोगों के पास होता। तो नंबर पे स्क्रीन दिख रही है, 1 सालों के अंदर आप लोगों को इतना पैसा मिल जाता है। इतने पैसे का मतलब कितना है भाई, या 2.5 करोड़। यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 करोड़, वो भी कितने से, 1000 रुपये इन्वेस्ट किया होते आप लोगों ने तब। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिबा इनो एक मीम करेंसी थी, जिसके कारण से लोगों के मन में इस सिबा इनो की जो है इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में देख करके लोग, बहुत सारे लोग क्रिप्टो मार्केट में, इंडस्ट्री में आ गए कि भैया 100 रुपये लगा के 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये बन गए। तो चलिए मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज को तब आप लोग क्या करते हो, जो भी नए नए टोकन्स क्वाइंस आते रहते हैं उसमें सोचते हो कि इसमें भी 100 रुपये लगा दे, कब कभी ये 2.5 लाख बन जाए, 50 लाख बन जाए। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई क्वाइन में आपको तब लगाना चाहिए जब देखें कि, देखिए एक चीज बताता हूँ, आपको नहीं पता है कि आप कब वायरल हो जाओगे, मतलब कि आप कोई वीडियो डाले और कब आपकी वीडियो रैंक करके वायरल हो गई। तो उसी तरीके का कुछ सिबा इनो के साथ हुआ उस टाइम में। तो आप लोग हर क्वाइन को देख के चलते हो, तो हर क्वाइन में अगर लेके एंट्री चलते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया करिए, यानी कि 1000 लगा दिया, 1,00,000 लगा दिया, नहीं ठीक है, तो कम से कम उसमें आप लोगों को 10 रुपये 15 रुपये इस तरीके से एंट्रीज लेनी चाहिए। तो आप बोलेंगे भाई ये बताओ 10 रुपये 15 रुपये किस एक्सचेंज पे खरीदा जाता है, तो वो एक हॉटबिट नाम का चोर एप्लीकेशन है। आप बोलेंगे भैया हॉटबिट नाम का चोर एप्लीकेशन, ऐसा क्या मतलब है? देखिए हॉटबिट पे क्या होता है ना, 0.01 डॉलर का भी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन डॉलर में, रुपए में नहीं। तो इसकी वैल्यू होती है 87 पैसा, यानी कि 1 रुपये का भी क्रिप्टो करेंसी वहां पे से खरीदा जा सकता है। लेकिन भैया यहाँ पे रुपया डिपॉजिट नहीं किया जा सकता, यानी कि आपके UPI में पैसा है, हॉटबिट में डाल लिया, नहीं। उसको चलाने के लिए आप लोगों को किसी एक्सचेंज की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें USDT यहाँ से लेकर के वहाँ भेज देंगे, तब इस तरीके से वहाँ पे काम करता है। तो उसमें आप लोगों को 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये ऐसे ट्राई करना चाहिए कम से कम, ठीक है। 100 रुपये डाल के वहाँ पे चेक करना चाहिए कि मैंने 100 टोकन में एंट्री अगर 1 रुपये का लिया या 10-10 रुपये का लिया, तो 10 क्वाइन में लिया, तो वो कितना चांस है कि वो आप लोगों को रिटर्न दिया। तो इस तरीके से आप एक एक्सपीरियंस बना लोगे। तो ये नहीं कि हर क्वाइन आया उसमें 1000 रुपये लगाते चले और रोज करोड़पति बनने के सपने देखते रहे, तो ऐसा ना करिएगा। और ऊपर चलता हूँ, इसके प्राइस में इतना गिरावट देखने को मिला आप लोगों को। 1 डॉलर की अगर बात करूँ तो 80 रुपये मान लेते हैं, यहाँ पे 36,000 क्वांटिटी यहाँ पे 1 डॉलर में मिल रही है। सिबा इनो की वीडियो मैं कब से बना रहा हूँ आप लोगों को पता है कि जब ये 2 से 3 डॉलर में, यानी कि 240 रुपये का मैंने 2 मिलियन टोकन लिया था, तो आज उसकी करंट वैल्यू आप लोगों को पता ही है कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह पे आके यहाँ पे इसकी गिरावट दर्ज की गई है। और 1 साल के अंदर अगर रिटर्न की बात करूँ तो भैया यहाँ पे 2,22,46,815% का ग्रोथ, यानी कि आप समझ सकते हो भाई कि अगर आपने कितने पैसे 1000 रुपये लगाए होते अभी कितना होता, तो आप एक कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते भैया। क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटे में 4% -0.4% का गिरावट, और 24 आवर्स में 4.2% का गिरावट, और 7 दिन में 1.7% का गिरावट, और 16% का गिराव 14 दिन में हुआ। 30 दिन की जो चीज़ें ग्राफ दिखी जा रही है, 11% का गिरावट ही देखने को मिला है। तो सिबा इनो क्यों ऐसे हो रहा है आप लोगों को मैं चार्ट के माध्यम से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मैक्स पे क्लिक करने का मतलब है भाई कि देखिए सिबा इनो में क्या होता है, जब गिरावट आती है तो एकाएक गिरावट आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें देख रहे हैं, एकाएक पंप लिया यहाँ पे से, फिर एक डंप लिया, इसकी चेतावनी मैंने पहले दी थी आप लोगों को, फिर ये इस पे करके फिर एक पंप लिया, अब फिर एक डंप डंप डंप। तो इस लेवल तक गिरावट मतलब कि पॉसिबल है कि ये जो गिरावट है कुछ और हद तक इस लेवल तक भी आ सकती है, तो यहाँ तक आप लोग एंट्री ले सकते हैं। फिर उसके बाद हो सकती है एक और पंप देखने को आप लोगों को कुछ टाइम तक इस तरीके का दिखे, फिर एक पंप लेगा, फिर एक डंप मारेगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो अगर अगला टारगेट की अगर बात करें हम लोग, तो इस सिबा इनो में अभी क्या है कि गिरावट दर्ज करती नजर आ रही है आप लोगों को, तो इस तरीके से ये घूमेगा इस लेवल तक, फिर अगर हल्का सा और गिरावट हो सकता है, फिर इससे भी ऊंचा एक जंप लेगा, जैसे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखते हैं इसकी प्राइस में क्या होता है, अगर इससे नीचे गया तो प्राइस और नीचे जा सकती है, लेकिन
अगर आप लोगों को इस तरीके का एक पंप देखने को अगर मिला, समझ लीजिए वो एंट्री का टाइम है, वहां से ले लीजिएगा और अच्छा खासा यहाँ पे से प्रॉफिट बनाते चलिएगा। अगर आप लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको लेना चाहते हो तो मैं उसको रिकमेंड आज नहीं, जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से कर रहा हूँ, जबकि बहुत सस्ते में था, ठीक है। तो मतलब 300 रुपये का मैंने खरीदा था, आप लोगों को पता है 200 से 300 रुपये का मैंने खरीदा था, वो लगभग लगभग मेरे बन गए $60 के आसपास में बन गए थे। तो $30 का मैंने उस टाइम में बेच दिया था, तो अभी भी प्राइस उतनी है मेरी। तो मतलब कि बताता हूँ कितने INR में बताता हूँ कि 200-300 का इन्वेस्टमेंट 4,500-5,000 रुपये के आसपास में बन गया, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरीके से इन्वेस्ट वो भी मैंने उस समय हॉटबिट में लिया था, अभी भी है मेरे पास। तो ये चीज़ों के बारे में आप लोगों ने देख लिया। सिबा इनू की जो प्राइस की प्रेडिक्शन $1, $1 और $10 लोग कर रहे हैं, हम भी बताते रहते हैं कि 2025 में एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, तो 2025 में एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बोली गई, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखती नज़र आ रही है। इनके कामों की वजह से समझ में आएगी, जब ये सिबेरियन ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे अपना खुद का, तो उसमें कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, तब जा करके इसकी प्राइस में कुछ हाइप पड़ती नज़र आ सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ जो कि ये डॉज कॉइन को कॉम्पिटिट करेगा, लेकिन अभी ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट डाउन है और महंगाई की जो रफ्तार है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है कि वो महंगाई जब ऊपर गई है तो एक बार थोड़ी सी नीचे ज़रूर आएगी। तो अभी क्या है, मार्केट थोड़ी सी डाउन है, लोग पैनिक में हैं और आए दिन एक्सचेंजेस वगैरह वगैरह हैक होते रहते हैं, तो इसकी भी मार्केट में डर लगी रहती है, जिसके कारण इसकी प्राइस में आप लोगों को अभी गिरावट दिखते ही नज़र आ रही है। तो आप लोगों को सिबा इनू को क्या है कि जब जब अगर शॉर्ट टर्म में एंट्री लेते हो तो वहाँ पे ले करके यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखे हो इसको तो रखे रहिए। अब ये नहीं कहता हूँ कि 1,00,000 लगा दीजिए, 10,000 लगा दीजिए, 50,000 लगा दीजिए, नहीं, कम से कम मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को 100 रुपये 200 रुपये इतने का ले करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ही कोई खबर आती है इसमें मैं आपको चीज़ों को बताता चलूंगा।